हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है, ये पुण्य कथा है श्री साई ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की। ये पुण्य कथा है श्री साई ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की। साई जीवन माला प्रस्तुत करते हैं, साई जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 6, ईश्वर का ऐश्वर्य। ओम साई राम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, मैं हूँ राम गुप्ता। आज हम आपको साई ज्ञानेश्वरी महाग्रंथ की पावन कथा ईश्वर का ऐश्वर्य अध्याय 6 की कथा को, आगे का संवाद श्री साई चंदोरकर संवाद का आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो भक्त बाबा की इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण करता है, इस पाठ को लोगों में शेयर करता है, लोगों में प्रसारित करता है और इस बुक को साई ज्ञानेश्वरी को लोगों को भेंट देता है, साई ज्ञानेश्वरी के पाठ करने के लिए उसके जीवन में आ रही सारी परेशानी को शिरडी के साई पल भर में दूर करते हैं और वह भक्त जीवन में कभी कष्ट नहीं पा सकता, उसके ऊपर शिरडी के साई की अपार कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो साई ज्ञानेश्वरी के इस महाग्रंथ का पाठ प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से आग्रह कि आज आप देख रहे हैं बाबा की द्वारिका माई के पीछे में 4 दीपक जल रहे हैं। इसलिए क्योंकि जब मैं द्वारिका माई बाबा की दीप पे तेल अर्पण किया, वहाँ पर दीप जल रहा है पीछे में बाबा की, और क्या बोलते हैं यहाँ पर अखंड धुनी सामने आप देख सकते हैं जल रही है, जो कि 1972 से जल रही है। तो बाबा ने कहा कि बेटा बहुत दिनों से तूने मेरे द्वारिका माई में दीप नहीं जलाया। तो मैंने बोला हाँ बाबा आप भी सही बोले हो। तो मैं बोला क्यों ना बाबा आज जला दूँ। तो बाबा बोले ठीक है जला दे। तो मैंने दीप जलाया, बाबा बोले कि अब रोशनी, मतलब दीप जलाने का आदेश इसलिए मिला क्योंकि अब जो अंधकार सबके जीवन में है, जो अंधकार संसार में है, अब वह खत्म होने का समय आ रहा है। जी हाँ, अब बाबा ऐसी कृपा करने वाले हैं कि संसार से जो महामारी फैली हो बहुत जल्द अब खत्म होगा, क्योंकि ये साईं का आदेश है और साईं के वचन और साईं की बातें कभी भी असत्य नहीं हो सकती। क्योंकि साईं ने शिरडी में जो चमत्कार दिखाया था, चक्की से आटा पिसवा कर, गेहूं पिसवा कर आटा को शिरडी की सीमा पे बिखेरा और हैजा की महामारी से शिरडी को बचाया था, अब बाबा संसार को बचाएंगे और एक चमत्कार दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 ईश्वर का संवाद में। श्री साई ने चंदोलकर से कहा कि पहले भोजन कर लो, फिर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करो, यानी भोजन करने के पश्चात नगर को जाओ और वहीं से ट्रेन को पकड़ो। श्री साई का आदेश सुनकर नाना साहब के पांव रुक गए। आदेश की अनुपालना करने के लिए उन्होंने कान गांवकर को कहा कि चलो पहले भोजन करते हैं, फिर प्रस्थान करेंगे। चंदोरकर और कान गांवकर ने ट्रेन के समय की परवाह नहीं की। उसके साथ आए हुए अन्य 2 व्यक्ति रामदास, हरिदास और बापू नगरकर बिना भोजन ग्रहण किए चल पड़े, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। भोजन के बाद चंदोरकर ने श्री साई के दर्शन किए। श्री साई ने चंदोरकर से कहा कि उन लोगों को, रामदास, हरिदास और बापू नगर को देखो, कैसा तरीका है उनका। जिन साथियों के शिरडी आए उन्हें ही छोड़कर यहाँ से चल निकले, वे बड़े होशियार हैं, उन्हें सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता है। हे चंदोरकर, ऐसे मित्रों के साथ रखो जो संसार के अंत तक तुम्हारा साथ ना छोड़े। फूलों की खुशबू की तरह मित्र होना चाहिए, जिसकी सुवास कभी मंद ना पड़े। अब तुम प्रस्थान करो, परंतु मैंने जो कहा है उसे सदैव ध्यान रखना। तुम्हारी रेलगाड़ी के आने में अभी भी काफी समय शेष है। चंदोरकर जब स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके दोनों मित्र भूखे और प्यासे बैठे हैं और ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन 3 घंटे विलंब से चल रही है। कुलकर्णी को शहर जाकर अदालत में पेश होना था और शिरडी से प्रस्थान करने से पूर्व वे श्री साई के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले,
कि हे सत्पुरुष, मेरे सामने अत्यंत कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझ पर सरकारी धन गबन करने का आरोप लगा है। मेरे ऊपर तो आफत आ गई है। आरोप सच है या झूठ, यह आपसे छिपा नहीं है। आप त्रिकाल को जानते हैं, मेरा विषय भी आपसे अज्ञात नहीं है। फिर भी मैं बुरी तरह से शिकंजे में फंस चुका हूँ। मैं आपसे और कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर कुलकर्णी श्री साईं बाबा के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे कि हे श्री साईनाथ, कुबेर के निकट होने पर हमें द्वार द्वार भटकने की जरूरत नहीं। क्षीर सागर में रहने वाली मछली भला कभी गंदे नाले में जाएगी? आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमारी माता हैं। अतः आपके चरणों में यह प्रार्थना है कि इस संकट काल में आप मेरी सहायता करें। कामधेनु गाय के बच्चे अमृत के समान दूध छोड़कर उन गाय का स्तनपान करने नहीं जाते। कल्प वृक्ष के फल उसके नीचे बैठे लोगों को मिलते हैं, वे टूट कर कांटों पर नहीं गिरते हैं। श्री साईं, आप मुझ पर ध्यान दें और अपनी कृपा की छाया मुझ पर फैलाएं। आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो संसार में मेरी बदनामी होगी, और मेरी बदनामी होने का मतलब आपकी निंदा, आपका नाम मलिन ना हो। अतः आप मुझ पर कृपा करें। तो देखा आपने, बाबा ने यहाँ पर जो भक्त रिश्वत का लेता था वो परेशान था कि उसे झूठा फंसा दिया गया है, और बाबा से प्रार्थना कर रहा है कि बाबा आप मुझे बचाएं, अन्यथा मेरा नाम तो खराब होगा, साथ ही मेरे बाबा का भी नाम खराब होगा, क्योंकि मैं बाबा का भक्त हूँ और जो भी मुझे बोला गया वो साईं बाबा का बड़ा भक्त बनता था। देखो रिश्वत लेता है, देखो ऐसा काम करता है। अगर आप लोग भी ऐसा काम करते हैं, जो भक्त इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप लोग भी गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं और किसी के भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो बहुत ही गलत करते हैं। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। अपने ईमानदारी का पैसा ही आप यूज करें, वही आपके काम आएगा। बेईमानी का पैसा आपके थोड़ा भी काम नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से निकल जाएगा और आपको परेशान करके ही जाएगा। इसलिए अगर आपके किस्मत में भगवान ने 100 रुपये लिखा है तो 100 रुपये का ही यूज करें। अगर 1000 के लालच में आप गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि ये साईं ज्ञानेश्वरी और साईं बाबा साईं बाबा इसके सदा हमेशा खिलाफ थे। इसलिए आप भी कभी भी गलत काम ना करें, तभी इसका सार है, तभी आपके ऊपर साईं की कृपा है। चलिए आगे चलते हैं कि अप्पा कुलकर्णी की करुण विनती सुनकर श्री साईं का हृदय द्रवित हो गया। वे अप्पा से बोले कि मेरे वचनानुसार तुम एक काम करो, डिप्टी कलेक्टर इस समय निवासा में प्रवर नदी के किनारे हैं, तुम वहीं जाओ, मन में बिना कोई भय रखे उनसे अपनी सारी बात को बता देना। निवासा एक पवित्र स्थल था, वहाँ पर जगत के सूत्रधार परमेश्वर मोहिनी के रूप में साक्षात विराजमान है। संत ज्ञानेश्वर ने उनके चरणों में प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद पाया और भवार्थ दीपिका ज्ञानेश्वरी लिखी। वहाँ 10 अवतार के रूप में परमेश्वर हैं, भक्तगण उन्हें अल्लाह इलाही कहते हैं, वे अज्ञानी का भी उद्धार कर देते हैं। वहाँ ईश्वर का सगुण रूप है, तुम निवासा के पवित्र धरातल पर जाओ, वहाँ श्रद्धा और आशा के साथ जाओ। वहाँ जाकर डिप्टी साहेब को नमस्कार करना और कचहरी में उपस्थित होने से पहले उनसे मिलना, उन्हें सारी बात बताना, उनके सामने प्रार्थना करना कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी लाज रखेंगे। कुलकर्णी ने श्री साईं बाबा के आदेशानुसार सारा काम किया और कलेक्टर को लिखित में जवाब पेश किया। संतुष्ट होकर कलेक्टर ने उन्हें निर्दोष बताया और मुक्त कर दिया। कुलकर्णी शिरडी आए और श्री साईं के चरणों में सर को रख दिया। श्री साईं ने कुलकर्णी से कहा कि करने और कराने वाला ईश्वर है, वही करता धरता है, वही कारण है और वही भक्तों पर नियंत्रण रखता है। तो कहते हैं ना, कौन छुएगा उसकी परछाई जिसको बचाने वाला साईं। जी हाँ,
कुलकर्णी को भी साई ने बचाया और अपना चमत्कार दिखाया। तो ऐसे चमत्कारी संत श्री साई बाबा की इस पावन ग्रंथ का पाठ आप सुन रहे थे, साई ज्ञानेश्वरी की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो पे हम आपको बताएंगे बाबा के अन्य भक्त का संवाद। तो आप बने रहें साई जीवन माला के साथ। अगर आपने बाबा के इस महाग्रंथ के वीडियो को लोगों में प्रसारित नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि जो भक्त इस कथा को सुनेगा, थोड़ा भी अगर 100 में 2 लोग भी सुधर गए तो बाबा का यह बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और आपको उसका फल मिलेगा जो आपके जीवन पर्यंत रहेगा। और आपने मुझे राम गुप्ता लव मुझे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। Thank you.